नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा होंगे, मैंने RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR का ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके रखा है। देख सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक www.rrchubli.in। ठीक है, तो इस पर कुछ अपडेट आया हुआ है। आखिर ये क्या अपडेट है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आप देखो तो एक अपडेट आया हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू एंड डाउनलोड द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 GDCE फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड इन लेवल 5, स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट इन लेवल 2 ऑफ 7 CPC ओवर साउथ वेस्टर्न रेलवे ओनली फॉर सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ साउथर्न रेलवे एंड RW@F या YIN। तो बहुत सारे अभी जो भी साउथ वेस्टर्न रेलवे के स्टूडेंट्स है, ग्रुप डी वाले, वो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, चाहे वो हुबली के हो, चाहे मैसूर के हो, चाहे वो आपका बैंगलोर के हो। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों का प्रमोशन से रिलेटेड भी क्वेरी होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आया हुआ है कि कैसे आपको प्रमोशन वाला नोटिफिकेशन निकलता है, फिर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम देना है। तो मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो लिंक पे। जैसे ही क्लिक की रखो आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुलेगा इस तरीके का। तो देखते हैं पहले इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है। तो इस नोटिफिकेशन में जैसे हम लोग देख रहे हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ पे हुबली का एड्रेस है, फिर यहाँ पे हुबली का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसका नाम क्या है, GDECE, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 ओनली फॉर रेगुलर सर्वे रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ SWR एंड RWF। ठीक है, तो जो भी रेगुलर मतलब कि परमानेंट एम्प्लॉई है SWR के और RWF, केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। कितने तारीख को यह नोटिस निकला है, तो 20 जून को नोटिस निकला है। इसका लास्ट डेट कब है, तो 15 जुलाई इसका लास्ट डेट है और 11:45 रात में ये खत्म हो जाएगा। GDCE फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट इन लेवल 2, लेवल 5 एंड लेवल 6 ऑफ 7 CPC ओवर साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो देखते हैं क्या है डिटेल में इसके एप्लीकेशन को। इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय वाइड रेलवे रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना, डेटेड 20/8/1993, RRBE 129/1993 एंड अदर इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर फिलिंग अप 20 पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड इन लेवल 5 इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, 42 पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एंड 117 पोस्ट इन जूनियर कलर कम टाइपिस्ट इन लेवल 2 इन द मिनिस्ट्रियल कैडर ऑन साउथ वेस्टर्न रेलवे थ्रू जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन GDCE फ्रॉम ऑल द एलिजिबल रेगुलर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड RWF एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। तो कुछ नहीं, इसमें यह बोला जा रहा है कि ये वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि ये वैकेंसी है और जिन भी जो भी मतलब कि इस RRC के स्टूडेंट्स हैं या रेगुलर सर्वे एम्प्लॉई हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये रेफरेंस लिया गया है कि जो भी उनका 1993 में कोई नोटिस है उसी को रेफरेंस को तहत ये नोटिफिकेशन इस तरीके का निकालते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, द सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ डिविजन्स या यूनिट या वर्कशॉप या हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड रेल व्हील फैक्ट्री या यलहनका RWF या YNK एक्सेप्ट RPF या RPSF पर्सनल लॉ असिस्टेंट कैटरिंग इंस्पेक्टर एंड अकाउंट्स कैडर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैडर इन विच दे आर वर्किंग मे रजिस्टर देयर एप्लीकेशन फॉर GDCE ऑनलाइन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवेन बिलो। तो जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है, ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या मेडिकल फिटनेस एंड स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्या आपका जैसे गुड्स गार्ड की हम लोग बात करें तो गुड्स गार्ड का क्या आपका 7 CPC में अलग अलग लेवल होता है, तो क्या लेवल रहेगा आपका, लेवल 5 रहेगा। तो यहाँ टोटल जो 20 है तो कौन से कैटेगरी में कितना है, अनरिजर्व के लिए 11 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एक इट्स इक्विवेलेंट, जैसे कि बोला जाता है आप किसी लोअर पोस्ट पर भी ज्वाइन करते हैं, बाद में आपके पास डिग्री हो जाती है तो आपको रेलवे में हेल्प मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका डिग्री मांगा गया है। मेडिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो A2 मांगा गया है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड से CBT, देखिए इन लोगों के लिए ऑनलाइन एग्जाम कर दिया गया है, थोड़ा सा अच्छा है कि इन लोगों के लिए भी ऑफलाइन नहीं है। फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, इन लोगों का भी पहले CBT होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर एग्जामिनेशन, फिर मतलब कि मेडिकल होगा, पहले DB होगा, फिर मेडिकल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक आपको गुड्स कार्ड का बता दिया, फिर यहाँ पे सबका आप लोग देख सकते हैं, इससे आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि आखिर कैसे जो है प्रमोशन वाला होता है। फिर यहाँ पे आप लोगों का एज लिमिट भी दिया हुआ है, द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर्स ऑफ जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, 45 ईयर्स ऑफ फॉर OBC कैंडिडेट एंड 47 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट। द एज विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 जुलाई 2019, ठीक है, ये एज ग्रुप की बात करें तो अनरिजर्व 18 से 42, अपर डेट ऑफ बर्थ जो आपका अपर डेट ऑफ अलाउ किया जाएगा 2/7/1977, इसके बाद आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है।
मतलब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ओबीसी के लिए 18 से 45, 2/7/1974, एससी/एसटी के लिए 18 से 47, 2/7/1972, लोअर डेट ऑफ बर्थ 1/7/2001, प्रूफ ऑफ एज, मैट्रिकुलेशन, एसएससी, एसएसएलसी, एचएससी सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय बोर्ड और स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल या कॉलेज अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट इधर हम लोग चले, इसमें 6 पेज का टोटल एडवर्टाइजमेंट है, सारा डिटेल यहाँ देख सकते हैं आप। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पीडीएफ का लिंक दे दूंगा मैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जोन ऑफ कंसिडरेशन है, एप्लीकेशन फी नील है, मोड ऑफ एप्लीकेशन है, तो ऑनलाइन ही होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, टोटल ओनली वन एप्लीकेशन, केवल आपको एक एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मोबाइल फोन्स वगैरह बैन रहेगा, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड आएगा इनका प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद जनरल होगा, ठीक है, ये देखिए उनका पूरा ये। उसके बाद यहाँ लास्ट में क्या, हम लोगों का मिस कंडक्ट या माल ऑपरेटर डिसीजन ऑफ आरआरसी टू बी फाइनल, आरसी डिसीजन फाइनल होगा। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स इन लोगों का जो है डायरेक्ट हो जाता है प्रमोशन। अब देखिए प्रॉपर इनको ईसीबीटी बैठना पड़ता है, डीबी होता है, फिर इनका भी मेडिकल होता है। ओके फ्रेंड, तो ये एक छोटा सा अपडेट था, चूंकि रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग आने वाला भी है, तो ज्वाइनिंग के बाद भी हम लोग चूंकि बहुत सारे इंप्लॉयज का कवर भी कर रहे हैं, तो आप आज हम लोग देख सकते हैं धनबाद स्टेशन में गए और हम लोगों ने लाइव किया वहाँ पे इंप्लॉयज का, तो ये आपका जीडीसीए का इस तरह से नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था फ्रेंड, जो मुझे आपको देना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिनका भी सिलेक्शन जो है सो कि रेलवे ग्रुप डी में हुआ है, जिनका पैनलिस्ट में नाम आ गया है, या सक्सेसफुली जिन्होंने डीबी या मेडिकल कंप्लीट कर लिया है। ओके, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।